नाग पंचमी के शुभ अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर द्वारा गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार एवं वीर अभिमन्यु खिताब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन का विधिवत शुभारंभ गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रतिनिधि तथा गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के द्वारा भव्य पंडाल के अखाड़े का पूजन कर किया गया। तत्पश्चात पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने अखाड़े से पहलवानों, अतिथियों तथा उपस्थित खेल प्रेमियों को संबोधित किया। इसके पूर्व मंचासीन अतिथि व पहलवानों के मंच का संचालन करते हुए कुश्ती प्रतियोगिता के संयोजक दिनेश सिंह ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री चंद मौली पांडे की वाराणसी की में सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखा तथा उनकी कुश्ती के प्रति कर्तव्य और निष्ठा को याद कर श्रद्धांजलि दी। प्रतियोगी पहलवान का वजन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित कुश्ती प्रतियोगिता स्थल बने भव्य पंडाल के अखाड़े पर किया गया, जिसमें वीर अभिमन्यु के लिए 42 पहलवान, गोरखपुर कुमार के लिए 54 पहलवान तथा गोरखपुर केशरी के लिए 24 पहलवान भाग ले रहे हैं। अखाड़े पर दो पहलवानों का हाथ मिलाकर प्रतियोगिता का शुभारम्भ कर पूर्व उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी पर्व पर कुश्ती कराने के स्वस्थ परंपरा रही है। पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों से गांव की माटी से जुड़े पहलवान भाग लेते हैं और नई तकनीकी की धारा से जुड़े रहते हैं। प्रतिवर्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपस्थिति में यह कुश्ती होती रही है, लेकिन इस वर्ष उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण उनका आशीर्वाद ही हम सबकी प्रेरणा का काम करेगा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित परंपरागत कुश्ती में भाग लिए हुए पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उपस्थित खेल प्रेमियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं भी व्यक्त किए। प्रतियोगिता में कुल 91 जोड़ी कुश्ती हुई, जिसमें वीर अभिमन्यु के लिए 37, गोरखपुर कुमार के लिए 47 तथा गोरखपुर केशरी के लिए 7 जोड़े हुए। इस दौरान कार्यक्रम में कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी, वरिष्ठ समाजसेवी अरुणेश शाही, कार्यक्रम संयोजक दिनेश सिंह, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय प्रभारी मोतीलाल सिंह, माया शंकर सिंह, मेजर पटेश्वरी सिंह, माधवेंद्र राज, रविकर सिंह, राष्ट्रीय कुश्ती कार्यकारी सदस्य आदित्य प्रताप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नेलाल यादव अभिषेक सिंह, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान एवं राष्ट्रीय कुश्ती कोच चंद्र विजय सिंह, उत्तर प्रदेश केशरी यश भारती से सम्मानित जनार्दन सिंह यादव, योगेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। कल की कुश्ती प्रातः 11:30 बजे से प्रारंभ होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही और कुश्ती प्रतियोगिता के संयोजक एवं जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा नहीं है, उनका अपना कार्यक्रम है ही है, वास्तविक कार्यक्रम है। इसको संपन्न कराने में आप लोगों ने जो सहयोग कर रहे हैं, हम मंत्री परिषद की ओर से, मंत्री परिवार की ओर से और आप सबकी ओर से जो कुछ है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी ऐसे उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और वो आशीर्वाद सारे लोगों को प्रेरणा देगा। जो आयोजन कर रहे हैं उनको प्रेरणा देगा और जो हमारे पहलवान हैं उनको प्रेरणा देगा। मैं उनकी अनुपस्थिति में भी उनके आशीर्वाद को मैं एक वाहक बन करके जैसे पोस्टमैन भेजता है, मैं एक वाहक बन करके मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जो लोग आए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ।
विशेष तौर से नगर विधायक भी आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। तिवारी जी हैं, कारीबाड़ी के पूज्य महाराज जी हैं, संजय वर्मा विवेक स्पोर्ट्स कॉलेज, अगली कुश्ती के लिए जितेंद्र यादव पत्नीदार, अभिषेक चतुर बंदवारी, दोनों पहलवान तैयार। जितेंद्र पक्की बात, अभिषेक चतु बंदवारी, अगली कुश्ती अभिषेक कृष्णानगर अभिमन्यू चैंपियनशिप के लिए हो रही है, जिसमें 57 किलोग्राम अभिषेक कृष्णानगर। नागपंचमी के पावन पर्व के अवसर पर दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता गोरक्षपीठ द्वारा आयोजित की जाती रही है, और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत 50 वर्षों से गोरक्षपीठ ने ग्रामीण अंचलों के लड़कों के लिए जो कुश्ती में रुचि रखते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कुश्तियों का आयोजन होता रहा है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय में भी ये कुश्ती होती रही है, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के भी समय में ये कुश्ती होती रही है, और आगे चल करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के समय में ये कुश्ती हो रही है। विगत 10 वर्षों से इस कुश्ती का स्वरूप जिला कुश्ती संघ के सहयोग से बदल गया है। ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी कुश्ती के प्रेमी पहले मिट्टी के अखाड़े पर एक कुश्ती लड़ते थे। जिला कुश्ती संघ के माननीय दिनेश सिंह जी ने अथक मेहनत करके इस कुश्ती को मैट पर कराना शुरू किया, और नई तकनीकियों का सहारा लेते हुए पहलवानों को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का कार्य किया। आज की डेट में यहाँ के जितने भी पहलवान ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं सब ख्याति लब्ध हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजयी होते हैं, उप विजेता भी होते हैं, और विभिन्न जगहों में सरकारी नौकरियों में भी भाग ले रहे हैं। इस कुश्ती के आयोजन के लिए हम लोग गोरक्षपीठ के आभारी हैं कि जो इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे करने का काम कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में वर्षों पूर्व से नागपंचमी के दिन कुश्ती का आयोजन होता है। नागपंचमी के दिन पहले तो हर गांव में कुश्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये आयोजन गांव में तो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर परंपरागत रूप से होती है। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से इसका थोड़ा बेहद रूप दे दिया गया, और यहाँ दंगल की जगह चैंपियनशिप करवा दिया गया। 3 उपाधि दी जाती है, गोरखपुर वीर अभिमन्यु, गोरखपुर कुमार और गोरखपुर केसरी का। इसमें वजन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। 57 किलो वजन तक के जो लड़के होते हैं उन्हें उनका जो कंपटीशन होता है उसमें जो विजयी होता है उसे गोरखपुर वीर अभिमन्यु का खिताब दिया जाता है, और 57 किलो से 70 किलो तक जो वजन के बीच जो पहलवान होते हैं उनमें जो विजयी होता है उसको गोरखपुर कुमार का उपाधि दी जाती है, और 70 किलोग्राम से ऊपर के जो पहलवान होते हैं उनमें जो विजयी होता है उनमें गोरखपुर केसरी की उपाधि दी जाती है। विगत 2 वर्षों में ऐसा हुआ कि जो पहलवान हमारा यहाँ पे गोरखपुर केसरी हुआ
आगे चलकर कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश केसरी हुआ और दोनों ही लड़के 74 किलो वजन में बारी बारी से राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीते। उसमें से एक लड़का तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये कुश्ती अब बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में और बड़े सम्मानित है और बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे आज करीब 125 पहलवान भाग ले रहे हैं, जिसमें वीर अभिमन्यु के लिए करीब 55 पहलवान हैं, ये गोरखपुर कुमार के लिए 54 पहलवान हैं और गोरखपुर केसरी के लिए 25 पहलवान हैं। तो इस तरह से 125 से ऊपर पहलवान आज भाग ले रहे हैं इस कुश्ती में, जिनकी कुश्तियाँ चल रही हैं। अभी पहले राउंड की कुश्ती हो रही है, आज और कल दो दिन ये कुश्तियाँ होंगी। लग रहा है कि कुश्तियाँ आज देर तक करवाना पड़ेगा, इसलिए गद्दे के ऊपर लाइट भी लगवा दिया गया है। लाइट लगवा के उसको देर रात तक करवाया जाएगा, जिससे कल क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की कुश्तियाँ ही बाकी रहें और फाइनल की कुश्तियाँ बाकी रहें।